शाहरुख खान की पठान। दोस्तों अब फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ पठान का एक फुल फ्लेज काइंड ऑफ अ मोशन पोस्टर एंड इंफॉर्मेशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट के तमाम तरीके के डोज मिलते हैं। ये फिल्म जब से बन रही है, यानी कि 2019 के एंड से 2020 ले लीजिए शुरुआत, 19 क्रिसमस के आसपास भी शूटिंग शुरू थी, तब से ही चर्चाओं का विषय है। ये वो फिल्म है शाहरुख साहब की जो कि इतने सालों तक शूट होती रही और अब जाके रिलीज डेट इसकी 2023 है, 25 जनवरी 2023, यानी कि आज़ादी ये अपने गणतंत्र दिवस के जोश के साथ ये फिल्म रिलीज होगी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम दोनों ही इसमें नजर आएंगे और इस प्रॉपर यशराज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये दोनों भी मौजूद हैं। इतना तो बात समझ में आ गई कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, जो कि हमें इस बात से साफ पता चल गया है जो कि वो बोलते हुए नजर आए हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान साहब इसमें लंबे बालों के साथ स्पॉट किए जाएंगे, लंबे बाल लंबी दाढ़ी, और इसमें सलमान खान के टाइगर का भी जिक्र होगा और एक ऐसा क्लाइमेक्स सीन शूट किया गया है जहां पे सलमान खान और शाहरुख खान का कैरेक्टर यानी कि टाइगर और पठान दोनों ही मिलकर आतंकवादियों और देश के दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे, छक्के छुड़ा देंगे। देखना मजेदार रहेगा। वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका जब डेट अनाउंसमेंट आया है तभी से ही फैंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। अभी सोशल मीडिया पे इस वक्त शाहरुख खान ट्रेंड भी कर रहे हैं। सो ऐसे में दर्शकों, आप लोग इसके बारे में कितने एक्साइटेड हैं? दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और अपने जॉन अब्राहम, फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जाएं और झटपट बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें मेरा अपना चैनल टेली खजाना। बाय बाय।